हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल सर, आप सभी का माय लिटिल टेरेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज कमली सा आ गया वाटर स्पिनिच में। कितने खूबसूरत फूल खिले, देखिए पूरे वाइट वाइट फूल, एकदम ऐसा लग रहा है कोई फूलों की चादर बिछी हुई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये टैरो लीव्स है, ये अरबी के पत्ते बोलते हैं इसको, कई जगह पे कई नामों से पुकारा जाता है, कहीं पे इसको टैरो लीव्स कहते हैं, कहीं पे इसको अरबी कहते हैं, कई लोग इसको घुया के नाम से भी जानते हैं, तो हमारे बंगाली में तो इसको कोचू पाता कहते हैं, कोचू शाक या कोचू पाता, और कई लोग इसको एलिफेंट ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा प्लांट है दोस्तों, ये एडिबल भी है, हम इसे खाने में भी यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों इसको सजावटी पौधे के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा प्लांट है, और देखिए ज़्यादा बड़े कंटेनर में भी नहीं है, छोटे से प्लांटर में भी हमने लगाया है, जिसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उसका डीप कम है। तो ये देखिए, और एक ये वाला भी अरबी के पत्ते है, ये वाला भी टैरो लीव्स या घुया जिसको बोलते, तो ये दो तरह के हमारे पास। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे, दोनों के केयर सेम है, सब कुछ सेम है दोस्तों, तो इसके केयर कैसे करते हैं इस प्लांट की, तो वही आज हम आपसे शेयर करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी मिट्टी, तो इसकी मिट्टी के लिए तो दोस्तों एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, चाहे गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी अगर राख हो आपके पास से, राख चाहे कोयले वाला राख हो या लकड़ी वाली राख हो, जो भी हो, इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट को कैल्शियम युक्त मिट्टी बहुत पसंद है, तो राख में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इस प्लांट को राख बहुत पसंद है, अगर ऐसी मिट्टी हो उसमें इस प्लांट को लगाना है, और साथ में थोड़ी सी नीम की खली डाल दें। राख डाले तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता कुछ फंगिसाइड की, क्योंकि वो खुद ही एक फंगिसाइड है, और अगर राख नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी नीम की खली, नहीं तो थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डालें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ज़मीन में तो ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़त होती है इसकी, तो गमले में थोड़ा हमें केयर करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों तो वैसी मिट्टी तैयार करनी है, एकदम वेल ड्रेन मिट्टी है ना फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए तो अच्छा रहता है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें, देखिए इस तरह की मिट्टी, देखिए एकदम भुरभुरी सी और अच्छी मिट्टी, देखिए ऐसी एकदम गीली भी रहे मिट्टी और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी भी रहे, पोरस मिट्टी रहे, तो बहुत अच्छा रहता है इस प्लांट के लिए। तो इस प्लांट की वेल ड्रेन मिट्टी के साथ साथ दोस्तों इस प्लांट को पानी रोज़ चाहिए, इस प्लांट को जितना हम पानी देंगे अच्छा है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि गमले प्लांटर में अगर पानी रुक जाए तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसके जो राइजोम है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी प्लस गीली मिट्टी होनी चाहिए। धूप दोस्तों, तो इस प्लांट को धूप की बहुत आवश्यकता रहती है, अगर इस प्लांट को अगर हम अच्छी खासी धूप में लगाएंगे तो इस प्लांट में बढ़त भी अच्छी होगी, प्लांट की पत्तियां भी हेल्दी होगी, बहुत अच्छा होगा, और छांव में रखेंगे तो भी इस प्लांट की पत्तियां बहुत अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, ऐसी रहेगी, लेकिन जब हम इसको खाने में, कभी कभी क्या होता है खाने में हम यूज़ करते हैं अरबी की पत्ती, अरबी को, तो देखना कभी कभी गले में कुछ प्रॉब्लम सी, खुजलाहट सी आने लगती है, तो उसका एक ही समाधान है दोस्तों, अरबी के प्लांट को हमेशा धूप में रखें, जितनी अच्छी धूप में रखेंगे उतना प्लांट हेल्दी होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि कभी कभी गले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो इस प्लांट को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर शो प्लांट के रूप में यूज़ कर रहे तो उसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सजावटी प्लांट के रूप में यूज़ करते हैं हम, इसको खाने में यूज़ नहीं करते, तो बिना धूप के भी चल जाएगा, तो वैसे ही रखना है। तो अच्छी मिट्टी के साथ साथ अच्छा पानी, अच्छी धूप के साथ साथ खाद, तो दोस्तों इस प्लांट को थोड़ा खाद की मात्रा अच्छी रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसको गमले में लगाते हैं तो अच्छी बढ़त के लिए, प्लांट के हेल्दी के हेल्दीपन के लिए इस प्लांट को थोड़ा खाद भी देना पड़ता है। तो एक तो सबसे अच्छा खाद इस प्लांट के लिए है, एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है, जो कि राख, जो कि कोयले वाला राख हो या फिर लकड़ी वाला राख, इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है और ये प्लांट बहुत खुश भी रहता है। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ और फर्टिलाइज़र है,
ये देखिए दोस्तों इसका फर्टिलाइज़र, ये देखिए एक्सेल, एक्सेल में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, राख में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आप लोग एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल भी बिल्कुल फ्री का है, तो अगर आप यूज़ करते हैं अपने गाड़ी में तो एक्सेल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक्सेल उसके साथ ही बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो इस बार तो हमें तो बर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करें क्योंकि हमें अच्छी गोबर की खाद मिली नहीं है। और अगर किसी भी पौधे में दोस्तों इस पौधे में या दूसरे पौधों में गोबर की खाद यूज़ करें तो एकदम अच्छी डिकम्पोज होनी चाहिए, एक साल पुरानी खाद, कच्ची खाद ना डालें, नहीं तो फिर प्लांट को नुकसान होता है। तो हमें अच्छी खाद नहीं मिली गोबर की, तो इसलिए हम वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो इसको तो गोबर की खाद भी बहुत पसंद है, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ ये देखिए एक्सेल, और अगर बोन मिक्सचर यूज़ करते तो थोड़ा बोन मिक्सचर। तो फिलहाल हम ये दोनों ही यूज़ करेंगे, तो ये दोनों को अच्छे से मिला के दोस्तों इसके अच्छे से मिक्स तैयार कर लीजिए। तो उसी मिक्स को अगर इसको देंगे 15-20 दिन में एक बार तो बहुत अच्छा रहता है। ये काम एक्सेल वाला खाद प्लस थोड़ी सी कंपोस्ट, चाहे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट, तो बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए। साथ में बोन मिक्सचर अगर यूज़ करते तो ये इसके लिए अच्छा है दोस्तों। तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से इस प्लांट को अच्छे से थोड़ा सा करके, ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी मिट्टी, एकदम पोरस मिट्टी है, तो इसमें प्लांट बहुत अच्छा होता है। फिर उसमें पानी डाल दीजिएगा, तो ऐसा अगर 15 दिन में एक बार भी दे तो बहुत अच्छा है। ऐसे प्लांट एकदम इतना ज़्यादा हेल्दी और इतना अच्छा प्लांट बनेगा। देखिए इसकी, देखिए इसमें कितना कम डीप है इस गमले में, लेकिन इसकी चौड़ाई अधिक है, डायमीटर अधिक है। और देखिए ये प्लांट इसीलिए इतना अच्छा फैला हुआ है, तो इस प्लांट को ऐसे ही लगाए तो अच्छा है, थोड़ा सा डीप हो तो भी अच्छा है, और थोड़ा फैला हुआ उसका डायमीटर थोड़ा सा चौड़ा रहे, डायमीटर अधिक रहे तो अच्छा रहता है। ये प्लांट बहुत जल्दी फैलता है, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों। उसके साथ साथ इसका प्रोपोगेशन भी बहुत ईजी है दोस्तों, तो इसका राइजोम से इसका प्रोपोगेशन होता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों, इसके लिए बस वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा खाद, और थोड़ी सी अगर राख हो तो बहुत अच्छा है। तो वैसे वेल ड्रेन मिट्टी ही चाहिए, एकदम पोरस मिट्टी चाहिए, और 15-20 दिन में एक बार अगर 2 चम्मच एक्सेल, 2 चम्मच 2-3 चम्मच बर्मी कंपोस्ट और 2 चम्मच अगर बोन मिक्सचर यूज़ करते तो ये मिला के इसमें 15-20 दिन में एक बार दे, थोड़ा सा देके थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी को मिला दे और थोड़ा पानी डाल दे तो बहुत अच्छा है इसके लिए। तो अगर एक्सेल और बर्मी कंपोस्ट, एक्सेल और बोन मिक्सचर यूज़ नहीं करते तो आप गोबर की खाद, अच्छी डिकम्पोज वाली गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा है इसके लिए। या फिर गोबर की खाद का लिक्विड जो है उसको भी डाल सकते हैं, इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो फ्री का फर्टिलाइज़र एकदम राख इसमें डालें, थोड़ा सा हमेशा 10-15 दिन या 20 दिन में एक बार राख डालें तो वो भी बहुत अच्छा है। एक तो राख इसके लिए बहुत अच्छी है, प्लस इसके लिए एक्सेल, बोन मिक्सचर और कंपोस्ट कोई भी, तीनों को 2-2 चम्मच मिला के अगर डालें 15-20 दिन में एक बार तो भी अच्छा है, तो कुछ भी डाल सकते। उसके साथ दोस्तों इसकी मिट्टी हमेशा गीली रखना है हमें, साथ में थोड़ी मतलब 2-3 घंटे की अच्छी धूप हो तो बहुत अच्छा है। और अगर सजावटी के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी आधे घंटे की धूप भी काफ़ी है इस प्लांट के लिए। लेकिन अगर हम खाने में इसकी पत्ती को यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा धूप में रखना अच्छा है इस प्लांट को, तो बहुत अच्छा हेल्दी भी रहता है। तो बस वही, और इसका प्रोपोगेशन भी ईजी है, इसके जो साइड से जो राइजोम निकलते हैं, एक प्लांट से साइड से बेबी प्लांट निकलते हैं उसको लगाए तो वही राइजोम से ही पूरे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो इसका प्रोपोगेशन भी इजी है और अच्छा प्लांट भी है, पोषक तत्वों से भरपूर है, खूबसूरत प्लांट है ये, तो अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।